खोज कर लिया चंद्रयान टू को, अब भी चांद की सतह पर अपना चंद्रयान थ्री लैंड भी नहीं हुआ कि चंद्रयान थ्री ने कमाल करना शुरू कर दिया और सारे देश अपना चंद्रयान थ्री के हर गतिविधियां पर नजर लगाए बैठी हुई है। वहीं रूस के लूना 25 क्रैश हो गया है। तो आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं कि अपना चंद्रयान थ्री कैसे चंद्रयान टू को सफलतापूर्वक खोज करते हुए आगे बढ़ रही है और चंद्रयान टू को मिलने से भारत को क्या बेनिफिट्स हुआ, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो के अंत में इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके दोस्त आपके हित भी जान पाए अपना चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम क्रैश होने से पूरा मिशन फेल हो गया था। दरअसल विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूट गया था और वह खोज कर बाद में क्रैश हो गया, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जिसका कनेक्शन टूट गया था वह उसी कक्षा में चक्कर लगा रहा था। आज जब चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम वहां चंद्रमा के पास पहुंचा तो चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, वेलकम बडी, यानी कि स्वागत है दोस्त। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी। इसी के साथ चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर का कनेक्शन चंद्रयान 3 के साथ बन चुका है। अब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी चंद्रयान 3 की जानकारी देगा। तभी इसरो ने लिखा कि अब और भी रास्ते खुल गए हैं। लैंडर विक्रम से संपर्क करने के मतलब कि चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर के जरिए भी बेंगलुरु में बैठे वैज्ञानिक लैंडर विक्रम पर नजर रख सकेंगे। 2019 में विक्रम लैंडर को क्रैश होने के बाद भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर उसी कक्ष में घूम रहा था जिससे अब चंद्रयान 3 का कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम से जानकारियां लेकर के पृथ्वी पर जानकारियां भेजना है जो लैंडर चांद की सतह से कनेक्ट करेगा। तो अब यही काम चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के लिए काम करेगा। लैंडर विक्रम जो भी खोज करेगा उसका सारा डाटा इस ऑर्बिटर को भेजेगा और यह चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तमाम जानकारियां हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को डिटेल भेजने में सक्षम होगा। साथ ही चंद्रयान 3 मिशन के साथ संपर्क नेटवर्क इस तरह से बनाया गया है कि लैंडर चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर जो डेटा भेजेगा इसरो के ग्राउंड स्टेशन पर। हालांकि चंद्रयान 3 का लैंडर पृथ्वी से सीधे संपर्क करने में भी सक्षम है। 9 अगस्त को श्री सोमनाथ जी ने कहा था कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है और यह चंद्रयान 3 लैंडर के साथ संपर्क करेगा, यह सिग्नल ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाएगा। मान लीजिए किसी भी कारण से ऑर्बिटर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो चंद्रयान 3 लैंडर सीधे पृथ्वी से कम्युनिकेट करेगा और रोवर जो कि सुरक्षित लैंडिंग के बाद चांद के जमीन पर छोड़ा जाएगा उसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन सिर्फ लैंडर के साथ है और लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और पृथ्वी पर मौजूद स्टेशनों के साथ संपर्क करेगा। अब आगे की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे कि अपना चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5 बजे करने वाले हैं। तो इसका लाइव वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप सबको बताने वाले हैं 23 अगस्त से जब चंद्रयान 3 लाइव लोकेशन पे अपना लैंड करेगा सॉफ्ट लैंडिंग तो उसका वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि अपने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में सारे लोग जान पाए और सारे इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल जाए आसानी से। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी नई अपडेट आती है आपको बताते रहूंगा।